हे गाइस, आज सीखेंगे बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्वीट सी मेलोडी, सुरीली अखियों वाले का इंट्रो पार्ट। तो इसको सीखने के लिए हम लोग इसको चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप एक एक करके सीखो, फिर बाद में मिला लेना, एक साथ आपका बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो इसका सबसे पहला पार्ट स्टार्ट होता है 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग से। तो 7th से हम लोग 9th स्लाइड करेंगे इस टाइप से। तो इस स्लाइड को करने से पहले आपको दो बातें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आपको प्ले करना बहुत आसान हो जाएगा और साउंड भी बहुत अच्छा आएगा। तो पहली बात क्या है कि हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग इस फिंगर से, मतलब कि ये रिंग फिंगर से हम लोग स्लाइड करें। इसका रीज़न ये है कि हम लोग जब रिंग फिंगर से स्लाइड करेंगे तो अगला नोट जो है वो हम लोग को लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग ये फिंगर जो है फ्री रहेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, खटाक से यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है, समझ गए ना आप। अगर हम लोग वही इंडेक्स फिंगर से लगाते, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर हम लोग इंडेक्स फिंगर से लगाएंगे फिर हम लोग को यहाँ आना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। तो जंप जब करेंगे तो वो ब्रेक्स आ जाता है, तो वो चीज़ ना करिएगा, पहली बात है। और ये अगर आपको लीड अपनी इम्प्रूव करनी है तो आप अपने फिंगर पोजिशन पर ज़रूर ध्यान दिया करिए, ठीक है, कि कौन से फिंगर रख के मैं स्लाइड करूँ तो दूसरे नोट पर आसानी से पहुँचा जा सकता है, ठीक है। तो ये पहली टिप हो गई। और सेकेंड टिप क्या है कि हम लोग जो स्लाइड कर रहे हैं ना, ये वाला, इसमें आप एक चीज़ नोटिस करिए, देखिए स्लाइड जो है बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एक स्लाइड होता है कि मैंने जैसे ही, दोनों हाथ आप देखिएगा, इधर देखिएगा और ये हाथ देखिएगा मेरा, ठीक है, मैंने जैसे ही यहाँ पर प्लग किया उसी टाइम सेम टाइम मैं स्लाइड भी कर दूंगा, देखिए। एक ये होता है, और एक दूसरा होता है कि थोड़ा सा डिले करके, मतलब थोड़ा सा टाइम के बाद, कुछ नैनो सेकेंड के बाद हम लोग स्लाइड करेंगे। देखिए दोनों हाथ देखिएगा, फिर से दिखा दे रहा हूं। तो हम लोग को ये मेलोडी प्ले करने के लिए थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा, तब अच्छा इफेक्ट आएगा इस टाइप से, समझ गए आप। तो चलिए अब फिर से स्टार्ट करते हैं। तो 7 से 9 हम लोग स्लाइड करेंगे 2nd स्ट्रिंग पे, ठीक है, फिर 9 ऑन 2nd स्ट्रिंग, फिर 7 ऑन 1st स्ट्रिंग, फिर 7 ऑन 2nd स्ट्रिंग, फिर 7 अगेन ऑन 2nd स्ट्रिंग, फिर 7 ऑन 1st स्ट्रिंग, फिर 5 ऑन 2nd स्ट्रिंग, फिर 5 अगेन ऑन 2nd स्ट्रिंग, देन 4 ऑन 2nd स्ट्रिंग, देन 5 से 7 स्लाइड करेंगे इस टाइप से। तो पूरा मिला देंगे इस टाइप से, हो जाएगा ये। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा 5th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग से, 5 देन 7, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसी को फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है। फिर भी मैं जल्दी से बता देता हूं आपको, 7 से 9 स्लाइड करेंगे 2nd स्ट्रिंग पे, देन 9 ऑन 2nd स्ट्रिंग, देन 7 ऑन 1st स्ट्रिंग, देन 7 ऑन 2nd स्ट्रिंग, देन 7 अगेन ऑन 2nd स्ट्रिंग, then 7 on 1st string, then 5 on 2nd string, then 5 again on 2nd string, then 4 on 2nd string, then 5 से 7 स्लाइड करेंगे। तो सेकेंड पार्ट इस टाइप से हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, 0 0 ऑन 2nd स्ट्रिंग, देन 9 ऑन 2nd स्ट्रिंग, देन 9 अगेन ऑन 2nd स्ट्रिंग, देन 7 ऑन 1st स्ट्रिंग, देन 7 ऑन 2nd स्ट्रिंग, देन 7 अगेन ऑन 2nd स्ट्रिंग, देन 7 ऑन 1st स्ट्रिंग, देन 5 ऑन 2nd स्ट्रिंग, then 5 again on 2nd string, then 4 on 2nd string, then 5 से 7 स्लाइड कर देंगे। तो थर्ड पार्ट इस टाइप से हो जाएगा। तो ये हो गया थर्ड पार्ट, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है सेकेंड पार्ट के, 5 on 2nd string, then 7 on 2nd string,
देन 7 से 9 स्लाइड करेंगे, देन 9 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, देन 7 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 7 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, देन 7 अगेन ऑन सेकंड स्ट्रिंग, देन 7 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 5 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, देन 5 अगेन ऑन सेकंड स्ट्रिंग, देन 4 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, देन 5 से 7 स्लाइड कर देंगे। तो ये चारों पार्ट हो गया। अब एक बार चलिए पूरा शुरू से धीरे धीरे प्ले करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो इसके रिटन नोट्स मैंने लिख के अपने पेज पे डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है, आप वहां से जाके ले लो।